जय छत्तीसगढ़। आज हम लोग जा रहे हैं घूमने के लिए। आज संडे है ना, तो संडे हम लोग घूमने के लिए जा रहे हैं। संडे मतलब फंडे। तो हम लोग कहाँ घूमने जा रहे हैं वो हमें देखने को मिलेगा। और हम लोग तैयार हो चुके हैं अब निकलने के लिए, तो हम लोग आते हैं फिर घूम के। तो हम लोग निकल रहे हैं ना, अच्छे से रहना। हाँ ठीक है, जल्दी आना, हम लोग शाम को आ जाएंगे। ठीक, बाय। बोलो बाय। तो हम लोग रंग महल पहुंच चुके हैं। ये है चांपा में स्थित है ये महल। और क्या प्रोग्राम हो रहा है वो हमको भी नहीं पता, वो आगे जाके देखने को मिलेगा। देखो इधर, तो गेट में यहाँ अतिथियों का बहुत ही तिलक और फूलों के साथ स्वागत किया जा रहा है। बारी बारी से सभी अतिथि अंदर प्रवेश कर रहे हैं। अब सेजल की बारी आ चुकी है, उनका भी तिलक से स्वागत किया जा रहा है, फूलों की बारिश की जा रही है। और इनको तिलक लगाना भूल गए थे, तो इनको बुला के तिलक लगाए हैं, इनका भी स्वागत किए हैं। फिर अंदर जा रहे हैं हम लोग। अंदर प्रवेश कर चुके हैं, देखने को मिल रहा है कि बहुत सुंदर कारपेट बिछाया गया है। और ये सभी अतिथियों के लिए बफर सिस्टम खाने का आयोजन किया गया है। देखते हैं कितना बढ़िया बढ़िया डिश यहाँ खाने को मिलेगा। सभी गेस्ट के लिए चेयर्स का व्यवस्था किया गया है। आगे देखने को मिल रहा है कि बहुत सारी लेडीज लोग डांस कर रहे हैं, डीजे लगा हुआ है। तो ये फैमिली पार्टी इवेंट का ऑर्गेनाइज किए हुए हैं ये लोग। यहाँ पे सभी आ कर के अपना फैमिली के साथ सेलिब्रेट कर सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। पूरा दिन भर यहाँ इंजॉयमेंट चलेगा, गाना बजाना, डीजे, नाच कूद होते रहेगा। और उसके बाद खाना खाएंगे, फिर अंतिम में खेल का आयोजन किया गया है, सभी गेम खेलेंगे। अंदर में बहुत प्यारा सा एक गणेश भगवान का मूर्ति रखा हुआ है। यहाँ वेलनेस हेल्थ वर्क का शॉप रखा गया है, जिसमें हमारा खान पान कैसा रहेगा, कैसा खाना खा के हम अपना जीवन को स्वस्थ रख सकते हैं, इसके बारे में बताया जाने वाला है। तो पूरा वीडियो में बने रहें, शायद किसी का लाइफ चेंज हो सकता है इस वीडियो को देखने के बाद। इस वीडियो में एक मैडम बता रही है कि उनको बहुत ही कम उम्र में कितना बड़ा बड़ा प्रॉब्लम आ चुका था। सारे डॉक्टर्स लोग बहुत सारी दवाई पे का डोज बढ़ाते जा रहे थे, और फिर उन्होंने अपने खान पान को बहुत ही आसान तरीक़ा से चेंज किया, बदलाव किया, कुछ न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स लेना स्टार्ट किए, जिसके वजह से उनका मोटापा भी कम हो गया। और साथ में थायराइड की समस्या, नींद नहीं आना, शुगर, बीपी, ये कुछ कुछ उनको प्रॉब्लम थी, वो खुद से ही बिना दवाई लिए ठीक हो गया।
तो उनके बारे में वो अपना डिटेल को बता रही हैं स्टोरी को। अभी ये जो सर बात कर रहे हैं बोल रहे हैं वो इन मैडम के हस्बैंड हैं। ये दीपिका कोरबा ज़िला के रहने वाले हैं और ये वो जो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट बता रहे हैं उसके सेवन करने से ही वेट को गेन कर लिए। और इसके बाद मैं भी न्यूट्रिशन को लेना स्टार्ट किया तो मैंने भी 6 किलो वजन बढ़ाया हुआ हूँ। और इसके बाद मैं मेरा कमर में दर्द, हाथ पैर में दर्द, एकदम दर्द होता था, अभी एकदम मैं खुश हो गया। मेरे को तो लेके गए थे न्यूट्रिशन क्लब, लेकिन वो खुद यूज़ नहीं करते थे। उनको 1 साल बाद रिलीव हुआ और उसके बाद उन्होंने स्टार्ट किया। और चाय के बहुत आगे थे, आज उनका चाय पूरा टोटली छूट गया है। मैं बहुत ही खुश हूँ उसके लिए। और मेरे बच्चे भी कैनल से ले रहे हैं और मेरे घर में भी मेरे मम्मी पापा को मैं न्यूट्रिशन प्रोवाइड करा रही हूँ। तो मतलब पूरा फैमिली हैप्पी हेल्दी एंड हम इस टाइप का लाइफ स्टाइल इंजॉय कर पा रहे हैं। तो ओके, मेरा रिजल्ट यही करता और मेरा रिजल्ट। तो खाने में न्यूट्रिशन और मल्टीविटामिन्स लेकर के इन्होंने अपनी बहुत बड़ी समस्याओं बीमारियों को ख़त्म किया है। तो आगे में देख सकते हैं रिसेप्शन में हम लोग बफर सिस्टम खाना मिल रहा है, उसमें है चावल, रोटी, पापड़, अचार, सलाद और पनीर की सब्ज़ी, कोफ्ता की सब्ज़ी और भी कुछ कुछ डिशेस हैं। भीड़ की वजह से हम लोग उसको ले नहीं पाए। खाली खाली है, आराम से रहेंगे। चलिए बढ़िया बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर है यहाँ पे मेरी वर्ल्ड का। सड़क भी है ऐसी डिजाइन की। अरे पेड़ को काट दिया हो क्या? और इसमें ये पानी आने का सिस्टम देखो तो ये भी हां नल लगा है। बहुत अच्छे बैठने का काम नहीं होगा, इधर से नल लगा देंगे तो पानी भी आ जाएगा। ये सबसे अच्छा स्थान यहाँ पे बाहुबली का मूवी यहीं सुपर लग रहा है। लाइट तो लगा है और ये बहुत अच्छा स्थान यहाँ पे लगा। ये पुल में चढ़ने के लिए है क्या, बीच में जाने के लिए? और ये चढ़ने का है, उधर जाने का। ये कौन है बाबा? किसका बाबा? कौन है? कबीर दास? क्या और कोई? अच्छा जुलाहा लग रहा है, कपड़ा बना रहे हैं देखो ना। हाँ। कौन है तो? जिनको पता होगा कमेंट करके जरूर बताएं ये किसका मूर्ति है। अरे ये किसका मूर्ति है हमें तो नहीं पता है। ये कौन ऋषि मुनि है? ऋषि मुनि है, पता नहीं कौन ऋषि मुनि है। वहाँ पे कितना बढ़िया फुहारा देखो,
अरे पुटू है, पुटू सब्जी बनाएंगे ले जा रहे हैं। पुटू मशरूम, इतना बड़ा मशरूम। क्या खोज रहे हो जमीन में? देखो